गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम रसायन के कक्षा 11वीं के जो अध्याय पढ़ने वाले हैं वो है हैलोजन प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन का रसायन। आज इस अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस अध्याय को समझने के लिए इन सभी चीज़ों का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। आपने आवर्त सारणी देखा है, आवर्त सारणी में आप पूरे आवर्त सारणी को चार ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। उनमें से एक है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहते हैं। इस वर्ग में जो तत्व हैं वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एटेस्टीन। ये सभी तत्व हैलोजन कहलाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये उनके संकेत हैं। इसमें एटेस्टीन भी शामिल है। ये सभी हैलोजन कहलाते हैं और ये सभी 17वें समूह के तत्व कहलाते हैं। वैसे हैलोजन का शाब्दिक अर्थ लवण बनाने वाला भी होता है। उसके बाद आते हैं प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का मतलब ये होता है कि किसी परमाणु को हटा करके स्वयं स्थापित होना, वो कहलाता है प्रतिस्थापी। और हाइड्रोकार्बन जो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे CH4 ये मीथेन है, ये हाइड्रोकार्बन है। C2H4 ये एथीन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। उसी प्रकार C2H2 ये एस्टलीन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद में C6H6 ये भी हाइड्रोकार्बन है। ये सभी हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इनका परिभाषा देख लेते हैं। हैलोजन प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन कहते किसको हैं? हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उतने ही हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने से जो नया पदार्थ बनता है वो कहलाता है हैलोजन प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन या उसके यौगिक। जैसे आप उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं इसको। एक बार फिर देख लेते हैं इसकी परिभाषा को। हैलोजन प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन कहते किसको हैं? हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतने ही हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से जो नया पदार्थ बनता है या नया यौगिक बनता है वो कहलाता है हैलोजन प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन या उनके यौगिक। उदाहरण तौर पर आप इसको समझ लेते हैं। जैसे ये है, अब इसका हम Cl2 यानी हैलोजन के साथ में क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा इट इज इक्वल टू यहाँ के CH4 यानी मीथेन के एक हाइड्रोजन को हटा करके एक क्लोरीन परमाणु जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3Cl+HCl। ये देखिए, ये है मेथिल क्लोराइड, ये कहलाता है हैलोजन व्युत्पन्न या हैलोजन युक्त यौगिक या उनके हाइड्रोकार्बन, ये कहलाते हैं ये। अब इसके बाद में हम देखते हैं ये हैलोजन की उपस्थिति के कारण ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए ये प्रकृति में बहुत कम पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। क्यों क्रियाशील होते हैं? क्योंकि इसमें हैलोजन उपस्थित है इसलिए ये बहुत क्रियाशील होते हैं। हैलोजन प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इनके दो प्रकार हैं। पहला नंबर एक प्रकार में पहला प्रकार है एलिफेटिक
एलिफेटिक हैलोजन यौगिक, हैलोजन यौगिक, और दूसरा है एरोमेटिक, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक। इसके दो प्रकार हैं ये। अब उसके पश्चात में हम एलिफेटिक हैलोजन यौगिक के इनके प्रकार देख लेते हैं। मुख्यतः हैलोजन प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन ये दो प्रकार के हैं, एलिफेटिक हैलोजन यौगिक और दूसरा है एरोमेटिक हैलोजन यौगिक। उनमें हम सबसे पहले एलिफेटिक हैलोजन यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए इसको सबसे पहले देखते हैं। एलिफेटिक हैलोजन यौगिक जो है वो ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पहला है हेलो एल्केन, दूसरा है हेलो एल्कीन, और तीसरा है हेलो एल्काइन, एल्काइन। ये तीन प्रकार हैं, यानी एलिफेटिक हैलोजन यौगिक के तीन प्रकार हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और हेलो एल्काइन। हैलोजन से मतलब, हैलोजन को हम हेलो भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको इसका शाब्दिक अर्थ बताया था उसी अनुसार हम हैलोजन को हेलो भी बोल सकते हैं। एल्केन मतलब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके उसमें हैलोजन परमाणु भी जुड़ जाता है, इसलिए उसको हेलो एल्केन कहते हैं। और एल्कीन माने एल्कीन का मतलब ये होता है कि इसमें कार्बन कार्बन के में डबल बॉन्ड पाया जाता है, उनके हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है, वो कहलाता है आपका हेलो एल्कीन। और तीसरा जो है वो हेलो एल्काइन, एल्काइन के हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है, वो कहलाता है हेलो एल्काइन। ये तीन प्रकार होते हैं। इसमें सबसे पहले हम हेलो एल्केन के बारे में अध्ययन करते हैं बारी बारी से। हेलो एल्केन, इसका परिभाषा देख लेते हैं सबसे पहले। हेलो एल्केन किसे कहते हैं? एल्केन के, और एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो है सामान्य सूत्र CnH2n+2। परिभाषा देख लेते हैं, हेलो एल्केन किसे कहते हैं? हेलो एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतने ही हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने से जो नया पदार्थ बनता है वो कहलाता है हेलो एल्केन। अब इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। इनमें हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण देख लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण, इसमें हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इसको ऐसे देख लेते हैं वर्गीकरण में, हेलो एल्केन पहला है मोनो हेलो एल्केन, और इसका जो दूसरा प्रकार है वो है पॉली हेलो एल्केन। ये पॉली से मतलब ये है
कि एल्केन के में उपस्थित जो हाइड्रोजन परमाणु है उनके संख्या एक से अधिक होती है वो कहलाता है पॉली। मोनो मतलब एक होता है, यानी इसमें हाइड्रोजन परमाणु एक रहेगा वो मोनो कहलाएगा, और यदि हाइड्रोजन परमाणु जो है वो एल्केन में एक से अधिक रहेगा वो पॉली कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। ये मुख्यतः चार प्रकार के हो सकते हैं, चार प्रकार के होते हैं। पहला डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और तीसरा है टेट्रा टेट्रा हेलो एल्केन। ये यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एल्केन में जो हाइड्रोजन परमाणु है उनकी संख्या के आधार पे डाई मतलब दो, इसमें दो हाइड्रोजन रहेंगे, इसमें तीन हाइड्रोजन रहेंगे, इसमें चार हाइड्रोजन रहेंगे। चार हाइड्रोजन है मतलब चार एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके ये चार हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहेंगे, इसलिए वो टेट्रा हेलो एल्केन कहलाएगा। इसी प्रकार एल्केन के तीन हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके तीन हाइड्रोजन परमाणु रहेगा वो कहलाएगा ट्राई हेलो एल्केन। इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु रहेगा इसलिए इसको डाई हेलो एल्केन कहा जाता है। ये हो गया हेलो एल्केन का वर्गीकरण। पहला है मोनो हेलो एल्केन, इसमें हाइड्रोजन परमाणु एक रहेगा, मोनो मतलब एक होता है, और पाली का पाली के इसके तीन प्रकार हैं डाई ट्राई और टेट्रा। इसके पश्चात में हम कुछ प्रमुख जो हेलो एल्केन्स हैं उनको भी देख लेते हैं सूत्र और नाम सहित। कुछ प्रमुख हेलो एल्केन, इसको चार्ट के भांति देख लेते हैं। चार्ट बनाकर समझने में हमको तकलीफ नहीं होगी। ये एल्केन, उसके पश्चात में इनको इनके जो प्रकार हैं डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, और टेट्रा हेलो एल्केन। ये एल्केन का सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र CnH2n+2। ये इस आधार पर देखते हैं, ये यानी n बराबर है कार्बन परमाणुओं की संख्या और H2n जितने कार्बन परमाणु हैं उसका दो गुना और उसमें दो जोड़ देना है, इस प्रकार बनेगा ये। अब इसमें इनके प्रकारों को देख लेते हैं हम, मोनो हेलो एल्केन इसको देख लीजिए, इनके सामान्य सूत्र से भी देखते हुए चलते हैं। हाइड्रोजन को हम x से व्यक्त करेंगे, हाइड्रोजन को हम x से व्यक्त करेंगे, और x बराबर इसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सभी हो सकते हैं। ये
ये हो जाएगा CnH2n+1 x। यहां x बराबर हम लिख देते हैं, x बराबर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हो सकता है ये, और ये हो जाएगा CnH2n X2। ये 2 जो है दो हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके दो हैलोजन जुड़ गया है ये। उसी प्रकार से टेट्रा में CnH2n-2 सॉरी डाई गलत हो गया ये सॉरी सामान्य सूत्र गलत हो रहा था, फिर से देख लेते हैं इसको। हम इसमें एक चीज और लिखना भूल गए हैं, मोनो, क्षमा चाहते हैं, मोनो को हम लिखना भूल गए हैं, सीधा डाई से शुरू किए हैं, फिर से देख लेते हैं इसको। मोनो हेलो एल्केन डाई हेलो एल्केन ट्राई हेलो एल्केन उसके बाद में है टेट्रा हेलो एल्केन। ये कुछ प्रमुख हेलो एल्केन है। हम इसके पहले चार्ट बनाते समय मोनो को हम भूलवश नहीं लिख पाए थे, फिर से देख लेते हैं अपन। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। जैसे मैंने उनको पहले बताया कि एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन, यानी एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक हैलोजन द्वारा होगा तो मोनो कहलाएगा, और दो हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन जो होगा वो हैलोजन द्वारा होगा वो डाई कहलाएगा, और तीन हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हैलोजन द्वारा होगा ट्राई कहलाएगा, और चार हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हैलोजन द्वारा होगा वो टेट्रा कहलाएगा। इस प्रकार क्रमशः मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन कहलाता है। हाँ, तो हम देख रहे थे प्रमुख हेलो एल्केन, इनको देख रहे थे। इस चार्ट से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं एल्केन लिखा हूं, एल्केन का ये सामान्य सूत्र है, इन्हीं सामान्य सूत्र के द्वारा हम मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन को देखते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होगा उसको देखना है अपने को, CnH2n+1 X। यानी एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके एक्स जुड़ा है, एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, वो हैलोजन होगा। उसी प्रकार CnH2n X2, यहां पर डाई हेलो एल्केन में एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणु को हटाया है, उसके जगह दो हैलोजन जुड़ गया है। उसी प्रकार CnH2n-1 X3, ये -1 X3, यानी एल्केन के तीन हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके तीन हैलोजन परमाणु जुड़ गया है, तो ये कहलाएगा ट्राई हेलो एल्केन। इसी प्रकार से इसमें अगला जो रहेगा CnH2n-2 X4, यहां पर एल्केन के चार हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके चार हैलोजन परमाणु जुड़ गया है। अब इसी सूत्र से हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं और उसको लिखते हैं। हम मिथेन को ले लेते हैं, CH4, इनके हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करते हैं हैलोजन द्वारा, ये मिथेन है,
मीथेन। इस प्रकार से क्या होगा उसको देखते हैं अपन। सबसे पहले तो यहां के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाएगा, क्या बनेगा ये इसके जगह, ये CH3Cl, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, सामान्य नाम मेथिल क्लोराइड। ये इसका यूपीएसी नाम है मोनोक्लोरोमीथेन, मोनोक्लोरोमीथेन। ये इस प्रकार से, उसी प्रकार से दूसरे को देखते हैं, इसमें डाई हेलोजन डाई हेलो एल्केन में दूसरा जो देखते हैं वो इस प्रकार से है CH2Cl, ये इस प्रकार से है, ये है डाई, ये मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, इसका यूपीएससी नाम है डाइक्लोर 1-2 डाई क्लोरो मीथेन। ये इसके पश्चात में तीसरा जो है उसको देख लेते हैं CH2Cl2। ये है मेथिलीन क्लोराइड, पहले हम इथेन का ले लिए थे क्लोराइड, ये है डाई डाई क्लोरो मीथेन, इसके बाद में है CHCl3, ये है ट्राई क्लोरो मीथेन, इसको क्लोरोफार्म भी कहते हैं, क्लोरोफार्म। ये इस प्रकार से, और ये है उसके बाद में CCl4, यानी मीथेन के चारों हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके चार क्लोरीन परमाणु जुड़ गया है, ये कहलाता है टेट्रा क्लोरो मीथेन। इसका एक और नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये है प्रमुख, हमने इसमें देखा मीथेन में चार हाइड्रोजन परमाणु हैं, चार हाइड्रोजन परमाणु को एक एक करके हैलोजन द्वारा विस्थापित करके क्रमशः, पहले एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हुआ है तो ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, इसको मोनोक्लोरोमीथेन कहते हैं CH3Cl। उसी प्रकार यहां पर CH2Cl2, यानी मीथेन के दो हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके दो क्लोरीन परमाणु जुड़ गया है, यानी हैलोजन जुड़ गया है, तो ये मेथिलीन क्लोराइड, इसका इसको डाइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, डाई मतलब दो क्लोरो है इसलिए डाई बोला जा रहा है इसको। उसी प्रकार यहां पर मीथेन के तीन हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन तीन क्लोरीन परमाणु द्वारा हो गया है तो ये कहलाता है ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको हम दूसरा नाम इसका और भी है क्लोरोफार, व्यापारिक नाम है इसका। और चौथे टेट्राक्लोरो में मीथेन के चारों हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन चार क्लोरीन परमाणु द्वारा हो गया है तो ये कहलाता है टेट्राक्लोरोमीथेन, इसका एक व्यापारिक नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हो गया प्रमुख। इसी प्रकार हम
दूसरे और सदस्य को भी देख सकते हैं, जैसे मीथेन का देखे हैं उसी प्रकार हम दूसरे सदस्य का भी देख सकते हैं। दूसरे सदस्य में कहने का मतलब ये एथेन का भी देख लेते हैं, इथेन को भी इसी प्रकार देख सकते हैं। और इथेन का सूत्र है, ये पहला हो गया। यदि हम दूसरा एथेन को लेते हैं C2H6, ये इसको देख लेते हैं, इसको अब इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH3CH3, ये इस प्रकार से हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। जैसे हमने अभी मीथेन के बारे में देखा है उसी प्रकार हम इसमें भी देखते हुए चलते हैं। ये कैसे बनता है उसको देखकर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, इसको इस प्रकार लिखेंगे CH3CH2Cl। ये देखिए यहाँ के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके यहाँ पर एक क्लोरीन परमाणु जुड़ गया है, ये तो ये कहलाता है आपका, इसका नाम है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और इसका IUPAC नाम होगा फर्स्ट मोनोक्लोरो मोनोक्लोरो एथेन। ये एथेन से बना है, इसलिए हम दो कार्बन परमाणु होते एथेन से बना है ये, इसलिए इसका नाम हमने एथेन लिखा है। अब इसके बाद देख लेते हैं, दूसरा देखते हैं, यहां पर CH2Cl CH2Cl, ये दोनों कार्बन परमाणु पर एक एक क्लोरीन परमाणु जुड़ गया है ये, तो ये कहलाता है आपका, इसको बोलेंगे अपन 1,2-dichloroethane, ये इस प्रकार से। उसी प्रकार से CH2Cl CHCl2, ये देखिए ये इस प्रकार होगा। ये यहाँ पर तीन क्लोरो समूह हैं, दो यहाँ और एक यहाँ, तो ये हो जाएगा ट्राई क्लोरो एथेन, ये इस प्रकार से होगा। और चौथा होगा CHCl2 CHCl2 CL2। चार क्लोरीन परमाणु हैं, यानी एथेन के चार हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके चार क्लोरीन परमाणु क्रमशः जुड़ गए हैं ये एक एक करके, तो ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरो एथेन। ये हमने दो उदाहरण आपके पास देखे हैं, एक पहला मीथेन से, मीथेन के हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हैलोजन द्वारा हुआ है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हमने लिया है एथेन, इसको भी देखा है हमने, ये CH3CH2Cl, ये एथिल क्लोराइड भी कहते हैं, ये फर्स्ट मोनोक्लोरोमीथेन, यानी एक नंबर के कार्बन परमाणु पर क्लोरीन समूह, इसलिए हम एक नंबर डाले हैं मोनोक्लोरो। इसी प्रकार से CH2Cl CH2Cl, यानी एथेन के दो हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन दो क्लोरीन परमाणु की तरह क्रमशः हो गया है ये, तो ये हो जाएगा 1,2, ये 1 और 8,2, 1,2-dichloroethane। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा, यहाँ तीन क्लोरो समूह हैं, यानी एथेन के तीन हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके तीन क्लोरीन परमाणु जुड़ गया है, ये ट्राईक्लोरोएथेन। इसी प्रकार से यहाँ पर एथेन के चार हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापन करके चार क्लोरीन परमाणु जुड़ गया है, टेट्रा क्लोरोएथेन कहलाता है ये। तो ये हो गया प्रमुख हैलोएल्केन का वर्गीकरण, उनके सामान्य सूत्र के द्वारा हम इस प्रकार भी इसको समझ सकते हैं। अब हम इसके बाद में अध्ययन करेंगे मोनो हैलो एल्केन।
मोनो हाइलो एल्केन, इसके बारे में देखते हैं। पहले इसके परिभाषा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा होता है, तो प्राप्त यौगिक को या प्राप्त पदार्थ को मोनो हैलो एल्केन कहा जाता है। उदाहरण तौर पर हम इसको समझना चाहेंगे, जैसे ये CH4, ये देखिए, इसको हम क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा माइनस हाइड्रोजन, और एक क्लोरीन परमाणु जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा CH3Cl+HCl। ये CH3Cl, ये मेथिल क्लोराइड, ये कहलाता है मोनो हैलो एल्केन। मोनो से मतलब एक, हैलोजन परमाणु है इसलिए मोनो कहला रहा है ये। इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ये अब हमको ये भी देखना है, साथ में ये भी देखना है कि ये जो मोनो हैलो एल्केन है वो एल्केन के अलग अलग कार्बन परमाणु पर रहता है, यानी उनकी संख्या अलग अलग कार्बन परमाणु से रहता है, तो उस तरह से हम उसको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क हैलो एल्केन भी कहते हैं। ये वो किस प्रकार होगा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम वर्गीकरण के द्वारा, संख्या के वर्गीकरण के द्वारा, मोनो हैलो एल्केन को एल्की हैलाइड भी कहते हैं, इसको हम एल्की हैलाइड भी कहते हैं, इसको देख लेते हैं। ये क्योंकि एल्की हैलाइड में हैलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणु पर उपस्थित रहता है, जिस कार्बन परमाणु पर हैलोजन रहेगा उसी की संख्या के आधार पर, संख्या से मतलब यह है कि उस कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, उस संख्या के आधार पर ये अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं। ये इसको हम उदाहरण सहित और देख लेते हैं इनका वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण में इसको देखना है, वर्गीकरण किस प्रकार से है ये उसको देख लेते हैं। ये अब जैसे उदाहरण तौर पर हम इसको देख रहे हैं, देखते हैं हम CH3CH2CH2I, ये देखिए यहां पर, देखिए ये उदाहरण से, तो इसमें ये कहलाता है एक, दो और तीन, तीन कार्बन परमाणु हैं, यानी ये प्रोपेन से बना हुआ है। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, प्रोपेन होता है C3H8। ये देखिए आप, यहां कितने कार्बन परमाणु हैं, तीन, दो, पांच और दो, सात, यानी एक हाइड्रोजन परमाणु को आयोडाइड द्वारा हटा दिया गया है, तो ये कहलाता है सिंपल अवस्था में नॉर्मल, एन से मतलब है नॉर्मल प्रोपिल आयोडाइड। ये इसको समझ लेते हैं। उसके बाद दूसरा है, ये इस प्रकार दूसरा को ले लेते हैं हम, इसको हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ये कहते हैं इसको। इसको अब हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक को हम बारी बारी से समझते हैं। दूसरा जैसे ही ये देखते हैं अपन CH3CH3CHI, ये है द्वितीयक, इसको आइसो प्रोपिल आयोडाइड भी कहते हैं, आइसो प्रोपिल आयोडाइड। उसके बाद में दूसरा जो है उसको देख लेते हैं,
CH3 तीसरा CH3 इसको इस रूप में देखें हम, जल्दी समझ में आएगा ये CH3 और CH3 ये BR, ये इसको हम आइसोप्रोपिल आयोडाइड को द्वितीयक एल्किल हेलाइड भी कहते हैं। ये तीसरा जो है वो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये इसको गिनती हम किधर से शुरू कर सकते हैं, ये मान लीजिए एक कार्बन परमाणु है, ये दो कार्बन परमाणु है, ये तीन कार्बन परमाणु है, तो इसको इसका नाम भी हम इस प्रकार कर सकते हैं, टू मेथिल प्रोपेन, ये। अब हमको ये देखना है प्राथमिक कार्बन परमाणु, द्वितीयक कार्बन परमाणु और तृतीयक कार्बन परमाणु किसे कहते हैं, ये समझना जरूरी है हमको। उसको सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि एल्केन के अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु पर हैलोजन परमाणु रहेगा, किसको प्राथमिक कार्बन परमाणु, किसको द्वितीयक कार्बन परमाणु, किसी को तृतीयक कार्बन परमाणु कहेंगे, ये हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। एक उदाहरण द्वारा हम समझते हैं इसको, सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। CH3 इसके बाद में CH2 और CH3 और CH3, ये देखिए ध्यान से, इस उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से कार्बन परमाणु को प्राथमिक प्राइमरी जिसको पी कहते हैं, द्वितीयक जिसको सेकेंडरी कहते हैं, और तृतीयक जिसको टर्शियरी कहते हैं, टी से व्यक्त करते हैं, और चौथा है चतुष्क जिसको क्वार्टरनरी कहते हैं। ये अब इसमें हम ध्यान से समझ लेते हैं, देखिए ध्यान से कौन कौन सा क्या चीज है उसको देख लेते हैं। ये देखिए, इस कार्बन परमाणु को ध्यान से देखिए, ये कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसे कार्बन परमाणु जो केवल एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है वो कहलाता है प्राथमिक। इस कार्बन परमाणु को देखेंगे, हमारा ध्यान पूरा इस कार्बन परमाणु पर रहेगा, ये कार्बन परमाणु केवल इस कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा प्राथमिक कार्बन परमाणु पी, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद में देखिए, इस कार्बन परमाणु को देखिए, ये कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, 1, 2 और 3, तो ये टर्शियरी कार्बन परमाणु कहलाएगा ये। उसके बाद में यहां पर आइए, ये कार्बन परमाणु जो है वो केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है तो ये भी प्राइमरी प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाएगा। यहां पर आते हैं, इसको देखते हैं ये कौन से प्रकार का कार्बन परमाणु होगा, ये इसको देख लेते हैं। ये देखिए,
ये एक और ये दो, दो कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी कार्बन परमाणु कहलाएगा। ठीक, यहां पर आइए इस कार्बन परमाणु को देखते हैं ध्यान से, इधर से इस कार्बन परमाणु पर, 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 कितने कार्बन परमाणु हो गए, एक दो तीन और चार, तो ये हो गया आपका क्वार्टरनरी, चार कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। ऐसे कार्बन परमाणु जो चार कार्बन परमाणु जुड़ा होता है वो क्वार्टरनरी यानी चतुष्क कार्बन परमाणु कहलाएगा। इनके वर्गीकरण हमको जानना जरूरी, क्योंकि इन कार्बन परमाणुओं पर अलग अलग हैलोजन परमाणु रहेंगे। यहाँ पर देखिए ये कार्बन परमाणु केवल ये वाले कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी कहलाएगा। इस कार्बन परमाणु देखो, इस केवल इस कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, ये भी प्राइमरी कहलाएगा। तो क्रमशः ये देखा गया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क, पी एस टी क्यू, इस प्रकार से है क्वार्टरनरी। प्राथमिक को प्राथमिक कार्बन परमाणु जो केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है, द्वितीय कार्बन परमाणु जो ऐसे कार्बन परमाणु जो दो कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है, तृतीयक ऐसे कार्बन परमाणु जो तीन कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है, और चतुष्क यानी क्वार्टरनरी ये वो कार्बन परमाणु होता है जो चार कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। तो बच्चों आज हमने हैलोजन प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के रसायन के अंतर्गत इनका परिचय जाना। परिचय जानने के पश्चात में हम प्रमुख एल्की हैलाइड के बारे में जाना। अब इसके आगे हम इनका नामकरण और आगे नामकरण के बाद में इनका इस समवयता के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।